अख्तियार है, इसलिए मास्क जरूर पहनिए। और अब बात भारी बारिश से मचे कोहराम की कर लेते हैं। बाढ़ और बारिश से इस समय देश के कई हिस्से बेहाल हैं। हम आपको जरा पांच तस्वीरें दिखा दें जो ये बयां करने के लिए काफी हैं कि आसमान से बरसी आफत लोगों पर किस तरह भारी पड़ी। पहली तस्वीर हिमाचल के किन्नौर की है, जहां जमीन खिसकने से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसके बाद हुई पत्थरों के नीचे गिरने से 9 लोगों की मौत हुई। दूसरी तस्वीर गुजरात के राजकोट की, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। रास्ता पार करने की कोशिश में एक कार पानी में बह गई। तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र के कोल्हापुर की, जहां सड़कों पर सैलाब नजर आया। पानी भरने की वजह से वहां कई इलाकों का संपर्क कट गया और राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ की टीमों को लगाना पड़ा। चौथी तस्वीर महाराष्ट्र के सांगली की, जहां पानी भरने के बाद पूरा का पूरा जो शहर है वो एक टापू की तरह नजर आने लगा। पांचवी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो गुजरात के जामनगर की, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात नजर आए। इस बीच वहां खुदाई करने वाली एक मशीन पानी में समा गई। सबसे पहले जरा महाराष्ट्र की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 105 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। महाराष्ट्र के 11 जिले ऐसे हैं जो बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। बाढ़ से बेहाल कोल्हापुर में राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमों ने वहां बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए नावों का सहारा लिया। इस दौरान वहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी का कब्जा दिखाई दिया। बताया गया सैकड़ों लोगों को इसी तरह से सुरक्षित निकाला गया है। तो कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। इलाके में चारों तरफ दिख रहा है तो वो सिर्फ पानी है। ऐसे में कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं, कई गांव के टापू में तब्दील होने का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। 250 से ज्यादा की मौत अभी तक हो चुकी है। जिन सड़कों पर गाड़ियां रफ्तार से चलती थी, अब सिर्फ आप देखिए नाव एकमात्र सहारा है। इसी की मदद से एनडीआरएफ की टीमें अंदर पहुंच रही है। जो लोग फंसे हैं उनको निकालने की कोशिशें भी टीम के द्वारा हो रही है। बारिश और बाढ़ से बेहाल कोल्हापुर में 125 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से पानी में डूबे हैं। खेत खलियान दुकान मकान सबके सब पानी में समा गए। इन इलाकों में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यह भी बताया गया कि भारी बारिश के बाद वहां कृष्णा और कोयना नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया, जिसके बाद बांध के दरवाजे खोलने पड़े और निचले इलाकों में पानी भरने से हालात बेकाबू हो गए हैं। तो जरा ये स्थितियां आप देखिए, ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कोई मकान कोई दुकान न शख्स यहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। कोल्हापुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ही एनडीआरएफ की टीमें नाव में बैठकर मदद के लिए इलाके में पहुंच रही हैं कि शायद वहां कोई फंसा हो तो उसे जल्द से जल्द राहत उन तक पहुंचे और उन्हें निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। इस वक्त जो है कितने लोग तकरीबन अंदर फंसे हुए हैं, कितनी परेशानियां बढ़ी हुई हैं और एनडीआरएफ का ऑपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या? अभी जैसा कि आप देख रहे हैं सर, पानी का लेवल बढ़ा हुआ है और लगभग लगभग निकल चुके हैं 125 से 130 लोग होंगे और वही लोग हैं जो सेफ हाइट पे हैं वो हैं। इनके अलावा एनडीआरएफ अभी एक जस्ट कोविड पेशेंट को लेके जा रही है और यहाँ गन्ने के खेत हैं। गन्ने के खेत में जो ड्रिप इरिगेशन का होता है वाटर सप्लाई के लिए, वो हमारे प्रोपेलर में फंस जा रहा है बार बार, जिससे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा सा परेशानियाँ आ रही हैं। सर, जो बरसात है वो रुकी हुई है दो दिनों से, लेकिन कहीं ना कहीं स्तर, जल का स्तर जो है वो कम नहीं हो रहा। वजह क्या है? ये देखिए, यहाँ पर देखें ये जो ड्रिप्ट है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब मशीन जो चालू होती है, जो मोटर जो होती है वो चालू होती है और अचानक ही मोटर के बीच में ही ये ड्रिप, ये वायर्स फंसते हैं और अचानक ही एनडीआरएफ की ऑपरेशंस में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। सर, ये ड्रिप किस चीज़ के हैं और अचानक प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो जाती है? सर, ये गन्ने के खेत में सिंचाई के लिए जो है वो लगाई जाती है, सिंचाई के लिए लगाया जाता है। क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है तो जब इसमें पानी आया तो ये ऊपर आ चुकी है, जमीन लेवल से ऊपर आ गई है और ये हल्की है, इसके वजह से तैर रही है और लंबे लंबे पाइप के रूप में होते हैं ये, जो कि हमारा जो OBM है, आउटबोर्ड मोटर्स, उसमें उस पर प्रोपेलर है, उसमें फंस जाता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है।
भाई जरा आपको महाराष्ट्र के कोल्हापुर की एक और तस्वीर दिखाएं। एनडीआरएफ की टीमों ने बाढ़ में फंसे एक कोरोना मरीज को सुरक्षित निकाला है, एम्बुलेंस तक पहुंचाया। ये बताया गया कि एनडीआरएफ को कोरोना मरीज की हालत बिगड़ने की फोन पर खबर मिली, उन्होंने तुरंत मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद एक टीम को वहां भेजा गया जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मरीज को वहां से निकालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया, वहां से मरीज को अस्पताल ले जाया गया। जो है कोविड पॉजिटिव पेशेंट था, इसकी हालत क्या हुई थी, क्या क्या मेडिकल इमरजेंसी आई थी? अभी सर इनका जो ऑक्सीजन लेवल है लगभग 68% के आसपास आ चुका है, और अभी ये हम लोग इमरजेंसी कॉल एसडीएम की तरफ से आया था कि यहाँ पर एक कोविड पेशेंट को इमरजेंसी में निकालना है। एनडीआरएफ की टीम आई और इसको ले जा रही है, अभी एम्बुलेंस में सेट करके उनको फर्दर जिला अस्पताल में भेजेंगे। फिलहाल अभी जो है सिचुएशन, उसके साथ जो लोग हैं वो एनडीआरएफ की टीम के अलावा और कौन है? एनडीआरएफ टीम के अलावा उनके जो रिलेटिव हैं वही लोग जा रहे हैं उसमें। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कोविड पॉजिटिव पेशेंट को लेकर जाया गया। आशीष से न्यूज 18 इंडिया। बाढ़ से बेहाल महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर आई। वहां पिछले 3 दिनों से एक होटल की छत पर फंसे कुत्ते को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। एनडीआरएफ की टीम उस इलाके में राहत और बचाव के काम के लिए पहुंची तो इस बीच होटल की छत पर मौजूद कुत्ता उन्हें देखकर इधर उधर भागने लगा, जिसके बाद उसे सुरक्षित निकाल लिया गया। तो क्या इंसान और क्या जानवर, इस वक्त सबके सामने मुसीबत और चुनौती एक जैसी है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है, लोग ऐसे ही अपनी जान बचा रहे हैं, ऐसे में कुत्ता भी देखिए छत पर जो आप देख रहे हैं यहाँ चढ़ गया अपनी जान बचाने के लिए। जैसे टीम वहां पर पहुंची तो वो बोल तो नहीं सकता था, लेकिन इशारे से इधर उधर भागने लगा कि मदद उन तक पहुंचाई जाए। उसके बाद उस कुत्ते को वहां से निकाला गया, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। तकरीबन 3 दिन से ये कुत्ता जो है होटल की छत पर जो है फंसा हुआ था। पानी का बहाव इतना तेज था कि अपनी जान बचाने के लिए ये ऊपर जा के चढ़ गया था, और ऐसे में उसे निकालने के लिए एनडीआरएफ ने ऑपरेशन किया। जानवर हो इंसान हो, हर किसी के लिए इस वक्त एनडीआरएफ जो है वो देवदूत के तौर पे काम कर रही है। सर ये तकरीबन कितने दिन से फंसा हुआ था और आप लोगों की नजर कैसे पड़ी इस पे? लगभग ये 2 दिन से फंसा हुआ है सर। कल हमने यही ऑपरेशन किया तो कल हमें दिखाई नहीं दिया, तो जैसे ही आज सुबह हम मॉर्निंग में आए तो जैसे ही दिखाई दिया तो हमारे जवानों ने देखा कि इसको निकालना है, तो बड़ी अच्छी तक उससे निकाल के और डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल के लिया। सर भूखा भी था और जब ऊपर की तरफ आप लोग चढ़े तो कहीं ना कहीं वो डर भी गया था। हाँ वो डर रहा था, बट जो डॉग है वो भी सोच रहा था कि मेरी भी जान बचनी चाहिए और मेरे को निकालना है, तो वो काटने के लिए भी सोच रहा था, बट उसको काटा नहीं हमारे जवान को, पर फिर भी उसको निकाल के आराम से निकाल के लिए। कोल्हापुर में फ्लड की सिचुएशन है और ऐसे में देवदूत बनकर एनडीआरएफ के लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि न केवल व्यक्ति इंसान जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, बल्कि जानवरों को भी सुरक्षित बाहर निकाले जाने की कोशिशें जो है वो जारी हैं। आशीष सिंह, न्यूज 18 इंडिया। देखिए कोल्हापुर में सड़कों पर